तो आप कोई सा भी राउटर यूज़ करते हैं, डिगिसॉल का, टीपी लिंक का, जियो का, एयरटेल का या किसी भी ब्रांड का, अगर आपको राउटर के लॉगिन पेज का पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं पता है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं वाईफाई के पासवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, वाईफाई राउटर का एक लॉगिन पेज होता है जिसके अंदर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। अगर आपको वाला पासवर्ड पता नहीं है तो आप अपने वाईफाई राउटर के उस वाले पासवर्ड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से अगर पासवर्ड भूल गए तो उसको रीसेट कर सकते हैं और अपने वाईफाई राउटर के पेज पर लॉगिन करके अपने वाईफाई को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके सेटिंग्स को, या फिर यूज़र नेम एंड पासवर्ड को चेंज भी आप कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना है इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वाईफाई राउटर को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले साइट पर जाना पड़ता है, जा करके आपको ये वाला पेज मिलता है जहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाता है। तो चाहे आप कोई सा भी राउटर यूज़ करते हो, आप टीपी लिंक का यूज़ करते हो, डिगिसॉल यूज़ करते हो, जियो, एयरटेल, किसी का भी यूज़ करते हैं, सबके लिए प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। तो कोई सा भी राउटर होगा, अगर आपको यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं पता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूज़र नेम के अंदर स्मॉल लेटर्स में एडमिन लिखना है एंड पासवर्ड के अंदर भी आपको स्मॉल लेटर्स में एडमिन लिखना है। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर आपने पासवर्ड पहले से चेंज नहीं किया है तो एडमिन होता है पासवर्ड और एडमिन ही होता है आपका यूज़र नेम, ये पूरा आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। और अगर आपने पहले पासवर्ड चेंज नहीं किया होगा तो ये आपका पेज जो है लॉगिन हो जाएगा, बट आपको एक जो कंडीशन होता है कि वो आपको उसी वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ता है जिसके राउटर के पेज को आप लॉगिन कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वाला पेज खुल जाता है, इस पेज के अंदर आपको सेटिंग्स मिल जाती है, आप चाहें तो अपने वाईफाई के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं या फिर आप अपने राउटर के लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड को भी यहां से आप चेंज करके नया सेट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है इस पर कोई भी इसको एक्सेस आसानी से कर पाएगा। इसके अलावा दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप अपने राउटर के पीछे देखेंगे तो हर राउटर के पीछे ही आपको ये स्टिकर के ऊपर आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ मिल जाता है। कोई सा भी राउटर आप यूज़ करते होंगे, उसके पीछे में इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी होती है वहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ मिल जाता है, तो वो वाला भी आप देख करके एंटर कर सकते हैं, आप अपने राउटर के पीछे एक बार चेक कर ले। अब थर्ड स्टेप क्या हो जाता है, अगर आपको यहाँ पे भी ये पासवर्ड नहीं मिल रहा है या फिर इस वाले पासवर्ड से आपका जो राउटर है वो लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके राउटर के पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा। और रीसेट करने के लिए आपको राउटर को फिज़िकली एक्सेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे राउटर के ऊपर आपके एक बटन दिया होता है जो कि रीसेट का बटन होता है, उसको आपको प्रेस करके होल्ड करना पड़ता है 2 से 3 सेकंड के लिए। तो 2 सेकंड में आपका जो है ये राउटर एक बार रीस्टार्ट होगा। तो जैसे ही आपका राउटर यहाँ पे रीसेट हो जाता है और रीस्टार्ट हो जाता है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने लॉगिन पेज पे राउटर के, और अब जो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा वो एडमिन एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने अपने राउटर को रीसेट कर लिया है। अगर आपके काम आए ये वाला वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ज़रूर से।